लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इस बीच राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता ने एक ऐसा दावा किया जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। यही नहीं, अगर उनकी बात सही हुई तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी की हालत खराब हो सकती है। रालोद नेता का यह बयान ऐसे समय में आया जब खुद जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। बता दें कि जयंत चौधरी के नज़दीकी और व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने दावा किया है कि जल्द ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। उनके इस दावे में यूपी की सियासत में हलचल मच गई। रालोद नेता की माने तो बीजेपी में जल्द ही बड़ी सेंधमारी हो सकती है। चुनाव से पहले पार्टी के बड़े जनाधार वाले कई नेता पाला बदल सकते हैं और रालोद में शामिल हो सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब रोहित अग्रवाल ने इस तरह का दावा किया हो। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पश्चिमी यूपी के बीजेपी सांसद और विधायक रालोद के संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले बड़े जनाधार वाले नेताओं को बीजेपी में भविष्य सुरक्षित नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले पाला बदल कर रालोद का दामन थाम सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अटकलें चल रही हैं कि रालोद एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती है और जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री बन सकते हैं और जयंत चौधरी की पार्टी को लोकसभा में 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि पिछले दिनों जयंत चौधरी साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और वो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। बहरहाल एक तरफ रालोद का कहना है कि पश्चिमी यूपी की बीजेपी में बड़ी फूट होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ रालोद के एनडीए गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं हैं। लेकिन क्या होगा क्या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।